हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, और उस खबरी ये है कि ग्रुप डी में जो वैकेंसीज थी वो इंक्रीज हो गई हैं, और जो 62,907 वैकेंसी थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया हुआ है, 113,546 पोस्ट कर दिया गया। यानी अगर देखा जाए तो लगभग लगभग डबल कर दिया गया हुआ है पोस्टों को, पोस्टें इंक्रीज हो गई हैं और जोन वाइज वैकेंसी भी इसकी आ चुकी हैं। तो जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। आप इस वीडियो को रोक के आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं जो कि रेलवे की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। और इससे पहले एक चीज़ मैं डिक्लेरेशन करना चाहूँगा कि जो 9 तारीख को जो एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कैसा आया, एग्ज़ाम का पूरा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसको सारे के सारे क्वेश्चन मैं सबसे पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, सबसे पहले मैं अपलोड करूँगा, जैसा कि मैंने यूपी पुलिस में किया हुआ था कि आप लोगों को सबसे पहले मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी थी, जिससे कि आगे का जो बच्चों का शिफ्ट है, आगे के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे का। क्योंकि क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, तो आई थिंक रेलवे ने शायद कुछ पैटर्न चेंज किया हो कि जीएस के क्वेश्चन कुछ अलग हिसाब से पूछ रहे हो, या मैथ का जो लेवल था वो टफ कर रहे हैं या और ईजी कर रहे हैं, या वैसा ही आ रहा है। तो उससे बहुत कुछ मदद मिल जाएगी आप लोगों को आगे की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप लोग जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 9 तारीख को आपको कैसा पेपर आया, आगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है, कौन सा पार्ट अच्छे से पढ़ना है, ये मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि सारे लोग नहीं बता सकते ना कि पेपर कैसा आया हुआ है, लेवल क्या है उसका, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा, साथ साथ में ये जो ग्रुप डी है इसकी भी वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।